शिष्यों का प्रेम शिष्य से कैसा होना चाहिए, प्रेम की कोई परिभाषा भी होती है क्या? प्रेम परिभाषा रहित होता है, प्रेम में आपकी कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि नमः शिवाय को बनारसी साड़ी आ जाए, नमः शिवाय को मोटरसाइकिल आ जाए, नमः शिवाय बढ़िया है वो मिक्सी आ जाए, नहीं, वो तो वही करेगा, वो तो आएगा ही आएगा, वो तो अलग चीज है। लेकिन शिव से प्रेम आप करते हैं तो शिव से प्रेम जो निस्वार्थ होगा भाई साहब, आप उस पंक्ति को याद करिए, मेरे सुख सब तेरे और तेरे दुख सब मेरे। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चे को दुख देना चाहती है क्या? आप अपने पति से प्रेम करते हैं, आप अपने पिता से प्रेम करती है तो उससे उसको उससे कुछ लेना चाहती है इसलिए प्रेम करते हैं क्या? नहीं, प्रेम में तो आदमी देता है। वो सुना है ना आपने, मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरी हो गाने लगी। लैला मजनू की भी कहानी आप जानते होंगे, मोहब्बत उसको कहते हैं। मंसूर की भी कहानी आपने जानते आप जानते होंगे, मोहब्बत उसको कहते हैं। कहता था अनहलक यानी मैं खुदा हूं। लोगों ने कहा है मंसूर ये कहना छोड़ दो। मंसूर ने कहा कि यार हम बोलेंगे तब ना छोड़ेंगे, ये अंदर से कोई बोलवाता है तो हम क्या कहते। कहा जाता है चढ़ के सूली पर उसको फांसी देती है। चढ़ के सूली पर मंसूर बोला इश्क है ये तमाशा नहीं है। ये उस मंसूर का प्रेम उसके खुदा के साथ है। मजनू एक बार आंख बंद करके लैला को याद करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति नमाज अदा कर रहा था, मजनू ने ध्यान नहीं दिया, उसके सामने से वो गुजर गए। वो व्यक्ति कह गए मजनू तुमको दिखता नहीं है मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं, तुम मेरे सामने से गुजर गए, क्या ये क्या तरीका है? मजनू ने रुक गए। मजनू ने कहा कि यार मैं तो लैला को याद करते करते जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन इधर बैठा हुआ है कौन उधर बैठा हुआ है। तुम कौन सी इबादत उस खुदा की कर रहे थे कि तुमको मालूम चल गया कि मैं तुम्हारे सामने से गुजरा हूं। मोहब्बत किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? अगर आपसे मोहब्बत हो सकती है तो करिए। अरे भाई साहब यहाँ तो भाई भाई में फौजदारी का मुकदमा हो जाता है, पति पत्नी में तलाक का केस हो जाता है। जब घर में हम और आप मोहब्बत नहीं कर पाते तो उस ईश्वर से मोहब्बत तो बहुत दूर की चीज है, वो तो दिखाई भी नहीं देता। मोहब्बत करना है तो इन तीन सूत्रों को अपनाइए। मोहब्बत पर वो तीन सूत्र खुद पैदा कर देंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। और ये परिलक्षित हो रहा है इस खगड़िया के मैदान में कि हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आपको महादेव से मोहब्बत नहीं है तो फोकट में आकर बैठे हैं भाई जी। आपको उस महादेव से मोहब्बत है, आपको अपने गुरु शिव से मोहब्बत है, तब आप अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए इतनी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। ये तो सीधे तौर पर ये बताता है कि आपको आपके गुरु शिव से मोहब्बत है। धन्यवाद हम लोग हैं कि साहब श्री हरिंदानंद जी और दीदी नीलम आनंद हमको और आपको उस शिव से हमारे और आपके मन में उस शिव के प्रति मोहब्बत पैदा कर दी। ये कम बड़ी बात है? तो कोशिश करिए हम और आप सभी उस शिव की तरफ चले, हम और आप उस शिव को अपना गुरु बनाए। हम और आप जहां भी है जैसी स्थिति में है इस बात को समझिए कि पीड़ा दुख संतरास हताशा निराशा दुनिया में सबके पास है, लेकिन थोड़ा सा मजा आता है महादेव के काम में। कष्ट तो सबको है भाई जी, परेशानियां सबको है भाई साहब, लेकिन उस शिव की दया है, उस शिव की दया से हम और आप चलेंगे। उस महागुरु महादेव के आशीर्वाद साथ ही आशीर्वाद के साथ हम और आप चलेंगे, धीरे धीरे चीजें अच्छी हो जाएंगी। हम और आप मोहब्बत करना चाहते हैं उस महादेव से तो उसके मोहब्बत की कोई कसौटी नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे कर सकते हैं मोहब्बत। आप जिस तरीके से देखते रहिए, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सबके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी के कपड़े एक दूसरे से नहीं मिलते, किसी का चेहरा एक दूसरे से नहीं मिलता, लेकिन अपने गुरु शिव से वो प्रेम करते हैं, इसीलिए इस मैदान में इतनी संख्या में एक साथ बैठे हुए हैं और अपने गुरु शिव की बात सुन रहे हैं। ये महादेव से मोहब्बत नहीं है तो और क्या है? महादेव से प्रेम इसी को कहते हैं कि सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको लोग जगत का गुरु कहा है सरकार, हम तब तक इस बात का प्रण लेते हैं कि जब तक सांस चलेगी आपको सचमुच में जगत का गुरु हम लोग बनाएंगे, पूरे जगत को आपके गुरु स्वरूप से हम लोग जोड़ेंगे, इस बात का प्रण होना चाहिए। साहब दीदी का आशीर्वाद हमारे आपके साथ है ही, आगे बढ़ेंगे हम और। चलिए दूसरा सवाल।